राजधानी लखनऊ में हुए ट्रिपल मर्डर ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। अब इस हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मलिहाबाद तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों मुख्य आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने 70 साल के आरोपी ललन खान उर्फ सिराज और उसके बेटे फराज को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लखनऊ के मलिहाबाद से शुक्रवार की रात एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर कहीं न कहीं देवरिया हत्याकांड की याद आ गई। जमीनी विवाद के चलते एक शख्स ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इस घटना के पीछे जो मुख्य आरोपी है वो लखनऊ का पुराना बदमाश और कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो दहल गया। इस हत्याकांड की तस्वीरें जिसने भी देखी वो दंग रह गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला ललन खान हिस्ट्री शीटर बदमाश बताया जाने लगा। ललन खान ने टेलीस्कोपिक राइफल से अपने ही परिवार के 3 लोगों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ललन खान का नाम सुनकर सभी चौंक गए क्योंकि उसकी उम्र 70 साल है। इस उम्र में भी हत्याकांड को अंजाम देकर अपने बेटे के साथ वो लगातार फरार रहता रहा। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही थी। जानकारी मिली कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मुख्य आरोपी सरेंडर करने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश और तेज की और आखिरकार आरोपी ललन खान और उसके बेटे फराज को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि जमीनी विवाद में 70 साल के ललन उर्फ सिराज ने अपने बेटे फराज के साथ मिलकर 15 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका वीडियो भी खूब चर्चा में रहा। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर कई राज उगलवाने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि आरोपी पूछताछ में क्या खुलासा करते हैं। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।